लगता है आजकल का ये फैशन होने वाला है। टीजर में फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिखा दो, उसके बाद टीजर आग की तरह वायरल हो जाएगा, फिर उस इन्फॉर्मेशन को मूवी से हटा दो और बोल दो कि हाँ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था, उसे हम करेक्ट कर दिए हैं। तो ऐसा ही एक डायलॉग मुझे स्वतंत्र वीर सावरकर की ऑफिशियल टीजर में देखने को मिला। तो टीजर को दोस्तों अभी हम रिव्यू करेंगे और जो झूठा एक डायलॉग बोला गया है टीजर में उसके बारे में भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो टीजर को पूरा दिखिएगा, फ्रेम बाय फ्रेम हम हर डायलॉग को रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि हर डायलॉग में एक एक मीनिंग छुपा हुआ है और कुछ अच्छे डायलॉग भी टीजर में जरूर थे, उसके बारे में भी हम चर्चा जरूर करेंगे। टीजर की रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, रणदीप हुड्डा अपने आप में बहुत ज़्यादा काम किए हैं, वो बिल्कुल ही वीर सावरकर के जैसा लग रहे हैं। तो चलिए अभी टीजर को रिव्यू करते हैं और हर डायलॉग को समझने की कोशिश करते हैं। आजादी की लड़ाई 90 साल चली। तो टीजर की शुरुआत में बोला गया आजादी की लड़ाई 90 साल चली, यानी कि 1947 से अगर हम 90 को माइनस कर देंगे तो हो जाता है 1857। 1857 में हुआ था सिपाही म्यूटनी, उसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। हालांकि 1857 से पहले भी कुछ रिवोल्ट जरूर हुआ था, जैसे कि 1817 में पाई का रिवोल्ट हुआ था, उसे भी कुछ हिस्टोरियन फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, लेकिन मोटा मोटी अगर हम देखेंगे तो 1857 को ही फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। पर ये लड़ाई सिर्फ कुछ ही लोगों ने लड़ी थी। और ये जो आजादी की लड़ाई है कुछ लोगों ने लड़ी थी, बाकी लोग तो सत्ता की भूखे थे। बाकी सब तो सत्ता के भूखे थे। इस डायलॉग पे कमेंट करना थोड़ा सा अभी से मेरे हिसाब से सही नहीं होगा क्योंकि कौन कौन से फ्रीडम फाइटर को सत्ता की भूखे लोग बताया गया है ये तो डायरेक्टर को ही पता है। शायद अगर मूवी में ऐसा कुछ डायलॉग है कि बताया जा सके कि कौन कौन सी फ्रीडम फाइटर सत्ता की भूखे थे और कौन कौन सी फ्रीडम फाइटर सच में देश के लिए लड़े थे, वो अगर मूवी में दिखाया जाए तो अच्छा होगा। गांधी जी बुरे नहीं थे। उसके बाद डायलॉग बोला गया कि गांधी जी बुरे नहीं थे। इस डायलॉग से बहुत सारा कंक्लूजन निकाला जा सकता है। गांधी जी और बुरा शब्द को एक लाइन में यूज किया गया है, साथ ही साथ नहीं शब्द को भी यूज किया गया है और ये डायलॉग नेक्स्ट डायलॉग से कनेक्ट करता है। लेकिन अगर वो अपनी अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं रहते, अगर गांधी जी अपने अहिंसावादी नीति पे अड़े नहीं रहते तो भारत को शायद 35 साल पहले ही आजादी मिल जाती। तो भारत 35 साल पहले ही आजाद हो जाता। ये डायलॉग दोस्तों मुझे झूठ लग रहा है, इस डायलॉग में फॉल्स इन्फॉर्मेशन है क्योंकि 1947 से अगर हम 35 माइनस कर देंगे तो हो जाता है 1912 और 1912 में गांधी जी इंडिया में तो थे ही नहीं। गांधी जी साउथ अफ्रीका से रिटर्न किए थे 1915 में, यानी कि 1912 के 3 साल बाद ही गांधी जी इंडिया को रिटर्न किए थे। उसके बाद पूरे इंडिया में वो ट्रैवल किए थे, पूरा इंडिया को देखने के बाद वो देश के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किए थे। तो गांधी जी तो दोस्तों 1915 में आए, तो फिर 35 साल पहले भारत को कैसे आज़ादी मिल जाता अगर गांधी जी अपने अहिंसावादी नीति पे अड़े नहीं रहते। तो ये डायलॉग दोस्तों बिल्कुल ही झूठ है, इसमें बहुत ज़्यादा फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिखाया गया है। उसके बाद टीजर की आखिर में एक डायलॉग है, लंका भी मूल्यवान था, अगर बात स्वतंत्रता की हो वो चाहे रावण राज हो या फिर ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। ये डायलॉग मेरे हिसाब से दोस्तों टीजर की सबसे बेस्ट डायलॉग था और सबसे बढ़िया डायलॉग था। और उस डायलॉग आने से पहले स्क्रीन पे कुछ और बातें था जो कि हमें दिखाया गया है, जैसे कि द मोस्ट वांटेड इंडियन बाय द ब्रिटिश, द मोस्ट फियर रिवोल्यूशनरी, द मैन हु इंस्पायर भगत सिंह, द मैन हु इंस्पायर सुभाष चंद्र बोस, द मैन हु इंस्पायर खुदीराम बोस, द मैन हु इंस्पायर आर्म रिवोल्यूशन। तो ये सब बातें भी टीजर में दिखाया गया है। मैं कोशिश करूंगा एक दूसरा वीडियो में निकालूं जिसमें कि ये सब टॉपिक के ऊपर मैं बात कर सकूं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।